हमारी मस्जिद में दौरान नमाज इमाम साहब की वजू टूट गई थी। इमाम साहब ने दूसरे आलिम को आगे कर दिया, दो रकात हो चुकी थी, वो आलिम आगे बढ़े और फिर से चार रकात पढ़ाई तो क्या नमाज सही हो गई, और मस्जिद में फिर रकात बांधकर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो उनकी नमाज हो गई। वैसे उनको आगे बढ़ाया तो चाहिए था कि आगे नमाज बढ़ा लेते, लेकिन बहरहाल अक्षर नौ पढ़ाई हो गई और मसबूक ने उनके साथ फिर पढ़ी पूरी, तो वो भी दुरुस्त है।